भगवद गीता चैप्टर 7, और उसमें हम एक और पर्टिकुलर सेक्शन लेंगे जिसमें भगवान ये समझाते हैं किस प्रकार का व्यक्ति मेरी शरण में आता है। हम देखते हैं सब लोग भगवान की शरण नहीं लेते हैं, हालांकि सबको पता है कई सारे श्रद्धालु गण है जो भगवान में मानते हैं, पर सब लोग भगवान की भक्ति में जुड़ नहीं पाते। भगवान बता दे 16 नंबर श्लोक से 19 नंबर श्लोक, तो 16 नंबर का जो श्लोक है भजन दे वर्ड इसमें यूज किया है, तो इस शब्द को याद रखिएगा, कुछ समय बाद इसको हम चर्चा करेंगे। तो हर एक श्लोक ब्रीफ में थोड़ा हम लेंगे, क्योंकि ये 4 श्लोक जो हम कवर करेंगे काफी वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो सब कुछ हम कवर नहीं कर पाएंगे उसमें। चतुर्विधा भजन्ते माम जना जना सुकृतो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो भगवान बोल रहे हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरे भजन में लगते हैं। प्रभुपाद भजन दे को ट्रांसलेट करके बोलते हैं सेवा। तो 4 प्रकार के लोग मेरी सेवा में लगते हैं, और ये कौन होते हैं? ये सुकृतिनो, पुण्यशाली आत्माएं होती है। जना मतलब लोग, सुकृतिनो मतलब पुण्यशाली आत्माएं। तो कौन से 4 है? आर्तो, आर्तो मतलब जो दुखी है वो, जिज्ञासु जिसको जिज्ञासा है जानने की, फिर अर्थार्थी जिसको अर्थ यानी कि धन की आवश्यकता है वो, और चौथा है ज्ञानी। सो ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। सो पढ़िए अनुवाद इसका। Translation. O based among the Bharatas, 4 kinds of pious men begin to render devotional service unto me. The distressed, the desirer of wealth, the inquisitive, and the he who is searching for knowledge of the absolute. So आज हम लोग भी भगवान की सेवा में लगे हैं, तो हम भी ये 4 कैटेगरी से एक कैटेगरी में आते हैं। हम कोई अलग कैटेगरी नहीं है, हम लोग भी अभी ये जो भगवान की सेवा में लगे हैं, तो हम ये 4 में से कोई एक है। या दुखी थे हम, या धन की इच्छा करते थे, या जानने की इच्छा रखते थे, या हम ज्ञानी थे। तो 4 प्रकार के लोग हैं, और शास्त्रों में हर एक प्रकार के व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया है। जैसे दुखी है, जैसे डिस्ट्रेस, तो डिस्ट्रेस में किस व्यक्ति ने, किस जीव ने भगवान की शरण ली है, ऐसा शास्त्रों में कोई उदाहरण आपको याद हो? जिसने दुख में आके भगवान की शरण लेने आया, यस गजेंद्र। तो 8वें स्कंद में गजेंद्र की कथा आती है कि गजेंद्र भी जब दुखी अवस्था में था, और जो मगरमच्छ था उसको पानी में घसेल रहा था, और वो एकदम एंड टाइम आ गया था, तब गजेंद्र ने भगवान की शरण ली। सो डिस्ट्रेस। फिर दूसरा है डिजायर ऑफ वेल्थ, धन की इच्छा रखना। ऐसा कोई शास्त्र में उदाहरण जिसने धन की इच्छा से भगवान की शरण ली हो? ध्रुव महाराज करेक्ट। तो ध्रुव महाराज भी चाहते थे कि ऐसा राज्य प्राप्त करना जो ब्रह्मा जी से भी महान, ध्रुव महाराज अर्थार्थी। फिर तीसरा है इंक्विजिटिव, जिज्ञासु। ऐसा कोई जिज्ञासु व्यक्ति आपको ध्यान में आता हो जिसने भगवान की शरण लियो शास्त्रों में से? भरत महाराज? नहीं, भरत महाराज तो इस एग्जांपल में नहीं आते। और लोग
नारद मुनि हो सकते हैं ये? नारद मुनि जिज्ञासु में भी नहीं आते थे वो, उन्होंने भगवान की शरण ली जब उनकी माता का देहांत हो जाता है। जिज्ञासु में आते हैं शौनक ऋषि, जब श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के पहले अध्याय में जब शौनक ऋषि इन्हें पूछते हैं सूत गोस्वामी से कि हमें जानना है जीवन का लक्ष्य क्या है और भगवान कौन है, उनके अंदर जो जिज्ञासाएं थी वो सारी जिज्ञासाएं शौनक आदि ऋषियों ने इन्हें पूछी। यस रो प्री गुप्ता रो। परीक्षित महाराज? परीक्षित महाराज भी जिज्ञासु कैटेगरी में नहीं आते। एक्चुअली परीक्षित महाराज है, नारद मुनि है, ये सारे कैटेगरीज जो है ये सब ऑलरेडी प्योर डिवोटी की कैटेगरी में आते हैं। और परीक्षित महाराज तो जन्म से ही भगवान के शुद्ध भक्त थे, मतलब अर्जुन के पुत्र ये ना ग्रैंड सन थे और पांडवों के ही लीनेज में आते थे। ऐसा और तो ये हो गया जिज्ञासु, और चौथा है ज्ञानी, he who is searching for absolute, जिसको भगवान की खोज होती है, ऐसे लोग। तो इसमें आते हैं चार कुमार। चार कुमार जो थे पहले मायावादी थे और भगवान के निर्गुण निराकार रूप का ध्यान करते थे, पर जब उन्होंने भगवान के चरण कमलों से तुलसी का सुगंध किया तो वहां से वो भगवान के निकट में आ गए। सुखदेव गोस्वामी भी इस कैटेगरी में आते ज्ञानी के, वो भी पहले निराकार पे ध्यान करते थे और भागवतम का श्रवण किया तब वो प्योर डिवोटी बने। तो ये चार प्रकार के लोग जो है भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में लगते हैं। सो हम भी कहीं ना कहीं इन चार में से कोई एक कैटेगरी में आते हैं और भगवान से हम फिर कनेक्ट हो गए। सो यहाँ पे ये जो चार प्रकार के लोग हैं, अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये लोग ट्रांसेंडेंटल व्यक्ति नहीं है, ये लोग सत्व गुण में स्थित हैं। और भगवान की भक्ति करना आरंभ करते हैं, अभी तक भगवान की शरण पूरी तरह से नहीं लिए, तो ये चार प्रकार के लोग शरण में जाने का स्टार्ट करते हैं। बट ग्रेजुअली ये जैसे जैसे सेवा में लगते रहेंगे, भगवान की सेवा में भक्तों का संग करते रहेंगे, तो ये धीरे 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 शुद्ध भक्त के स्टेज पे आ सकते हैं, प्योर डिवोटी के स्टेज पे। सो जब ये शुद्ध भक्त का संग करेंगे तभी ये शुद्ध भक्त बन सकते हैं। ऐसा ये चार प्रकार के लोग शुद्ध भक्त नहीं है, ये लोग पुण्यशाली आत्माएं। जब ये पुण्यशाली आत्मा शुद्ध भक्त का संग करेगी तभी ये लोग चार प्रकार के लोग शुद्ध भक्त बन पाएंगे, ऐसा है। सो टेक्स्ट नंबर 16 प्रभुपाद जी के तात्पर्य में क्या है, जैसे यहां से शुरू करते हैं, फोर कैटेगरी ऑफ पायस पीपल, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, ठीक है। और क्या ये शुद्ध भक्त है? नहीं, ये लोग की भौतिक इच्छाएं, जैसे दुख, किसी को दुख दूर करना है, किसी को धन चाहिए, किसी की कुछ इच्छाएं हैं, तो ये लोग प्योर डिवोटी नहीं है। शुद्ध भक्त मतलब क्या, जिसके अंदर अन्य अभिलाषिता शून्य है, अन्य अभिलाषिता शून्य, वो शुद्ध भक्त है। तो इनके अंदर अभिलाषाएं हैं तो इसलिए ये लोग प्योर डिवोटी नहीं है। सो ये लोग शुद्ध भक्त बनेंगे जब शुद्ध भक्त का संग करेंगे, और क्योंकि ये लोग पुण्यशाली आत्मा है इसलिए ये लोग आध्यात्मिकता से या भक्ति से तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। हम देखते हैं कई लोग जब हम JOSD का रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, तो जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जो लोग रजिस्टर करवाता है वो चार कैटेगरी से एक कैटेगरी में होता है,
जो यूथ होते हैं जिसको हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो चार में से कोई एक कैटेगरी में होते हैं, और वही चार कैटेगरी में से व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ये चार कैटेगरी अलावा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा। तो ये सारी चीजें है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है भगवद्गीता का। जब भी हम प्रचार करने जाए तो हमें ये ध्यान भी होना चाहिए कि ये व्यक्ति कौन सी कैटेगरी का है, इसको धन की इच्छा है या फिर ये कुछ जिज्ञासु व्यक्ति है, या क्या ये दुखी है, या क्या ये ज्ञानी की कैटेगरी में आता है। हमें इसे कैटेगराइज करना चाहिए और अकॉर्डिंगली उसको फिर हमें गाइड करना चाहिए, तो वो तुरंत भक्ति से कनेक्ट हो सकता है। तो अब भगवान कहते हैं आगे के श्लोक में कि ये चार कैटेगरी के लोग है, पर इसमें से एक कैटेगरी जो है वो मेरी फेवरेट है। ऐसा अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, चार में से एक जो लोग ऐसे व्यक्ति है विच इज माय फेवरेट कैटेगरी, और मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ पर्सनली। कौन से है वो चार में से कौन सा एक है? 14-17 नंबर श्लोक में बताते हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। सो बोल रहे हैं तेषां ज्ञानी नित्य युक्त, तो ये चार में से जो ज्ञानी व्यक्ति है जो नित्य युक्त है, नित्य युक्त मतलब जो कॉन्स्टेंटली इंगेज है, ऐसा ज्ञानी जो कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड है, किस चीज में इंगेज्ड है? एक भक्ति विशिष्यते, ऐसा ज्ञानी जो कॉन्स्टेंटली वन पॉइंटेड डिवोशन के साथ इंगेज है, ये सबसे बेस्ट लोग होते हैं। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, ये मेरे प्रिय हो जाते हैं, और ये मेरे इतने प्रिय हो जाते हैं कि जिस भगवान बोल रहे हैं कि आई एम डियर टू हिम एंड ही बिकम्स डियर टू मी। पढ़िए इसका अनुवाद। Of these, the one who is in full knowledge and who is always engaged in pure devotional service is the best. For I am very dear to him and he is dear to me. क्यों ऐसा? ज्ञानी क्यों भगवान का प्रिय होता है? क्योंकि पहले तीन जो है दुखी, फिर धन के अभिलाषा वाले और जिज्ञासु, ये तीनों भौतिक इच्छा के साथ आते हैं, और इनके अंदर कुछ मोटिवेशंस होती है, तो इसलिए इन लोग की भक्ति इतनी टॉप कैटेगरी की नहीं है जितनी के ज्ञानी व्यक्ति की है। क्योंकि ज्ञानी के व्यक्ति कैसा होता है? ज्ञानी व्यक्ति भी होता है जिसको परम सत्य की खोज होती है, जो ये इच्छा रखता है कि मुझे जानना है कि इस भौतिक संसार के बियॉन्ड क्या है, जो इस बात से कन्विंस्ड है कि ये भौतिक संसार की कोई वस्तु मेरे को संतुष्ट नहीं कर सकती, कन्विंस्ड हो गया धनम जन्म सुंदरी उसको कुछ लेना देना ही नहीं है उससे, और परम सत्य से कनेक्ट होना है। ऐसे व्यक्ति को पता नहीं कि कृष्णा भगवान है, पर ये व्यक्ति कन्विंस्ड होता है कि ये भौतिक संसार की चीजें जो है नश्वर है, और वो देख सकता है, वो उसको क्लैरिटी दिखती है भौतिक संसार का क्या प्रभाव है, और खोज में लग जाता है कि वो परम सत्य, वो रियल ट्रुथ कहाँ मिलेगा मुझे। So, निराकारवादी ज्ञानी की बात नहीं की कर रहे हैं भगवान यहाँ। निराकार क्यों? क्योंकि इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे ज्ञानी जो एक भक्ति विशिष्यते, जो मेरी भक्ति में लगा है, उस ज्ञानी की वो बात कर रहे हैं। एक गुरु नंदना, सो ये लोग समथिंग बियॉन्ड सोचते हैं, फोकसली अपने कार्य में लगते हैं। सो ऐसे कई सारे भक्त मैंने इस्कॉन में देखे हैं, जो इस्कॉन में आने से पहले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होते हैं, और उनको वहां पे रियल आंसर मिलता नहीं है, सेटिस्फेक्शन आंसर मिलता नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग धर्म में जाते हैं, स्टडी करते हैं, बट उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। बट जब वो इस्कॉन से कनेक्ट होते हैं, प्रभुपाद की फिलोसफी पढ़ते हैं, समझते हैं, वो इतना कन्विंस हो जाते हैं और फिर लाइफ लॉन्ग डेडिकेटेड हो जाते हैं। सो ऐसे इस कैटेगरी के लोग भगवान के बहुत प्रिय है। ऐसा
और ऐसे व्यक्ति भक्ति में जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब जब ये जैसे ही भक्ति लेंगे ना तुरंत फुल प्रोग्रेस करेंगे। जैसे कि वो होता है ना, क्या बोलते हैं, लकड़ा। लकड़ा कैसा होता है, अगर उसमें आप अग्नि डालो तुरंत वो जल जाएगा। अगर वो लकड़े में कुछ पानी नहीं है, अगर वो गीला नहीं है, एकदम ड्राई वुड है, तो जैसे ही वो अग्नि के संपर्क में आएगा पूरा जल जाएगा। ऐसे ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी जिसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है, ऐसा ज्ञानी जैसे ही किसी भक्त के संपर्क में आएगा ना तुरंत भक्ति की अग्नि जल जाएगी। सो यही चीज हुई थी चार कुमारों के साथ और यही चीज हुई थी सुखदेव गोस्वामी के साथ। तो यहाँ पे कृष्णा बता रहे हैं दीज आर माय फेवरेट्स, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग भगवान के प्रिय नहीं है। तो वो अर्जुन को ऐसा लगा, अरे इनको तो ज्ञानी लोग फेवरेट है, दूसरे लोग फेवरेट नहीं है। तो फिर भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं कि नहीं नहीं अर्जुन ऐसा नहीं है, चारों अच्छे हैं। अर्जुन को क्लियर करते हैं, तो 18वें श्लोक में बोलते हैं भगवान, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्व आत्म मे मतम आस्थित सहि युक्त आत्मा माम एवानुत्तमां गतिम। पढ़िए अनुवाद। All these devotees are undoubtedly magnanimous souls, but one who is situated in knowledge of me, I consider to be just like my own self. Being engaged in my transcendental service, he is sure to attain me the highest and most perfect goal. So, उससे पहले मैं आपको बता दूं, 17 नंबर के तात्पर्य में भगवान जैसे बता, प्रभुपाद बताते हैं कि who is the best, distressed, ज्ञानी, inquisitive or desire of wealth. ज्ञानी जो है वो फेवरेट है। क्यों? क्योंकि भगवान का पूरा इनको जानने की इच्छा होती है, भौतिक इच्छाओं से ये मुक्त होते हैं ना, और शुद्ध भक्ति में इजीली लग जाते हैं, एंड दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन, भौतिक कंटेमिनेशन को टच नहीं करते। और ये ज्ञानी जो है प्रीवियस लाइफ में, मतलब अपने पूर्व जन्म में होमवर्क करके आए हुए, तब ये ज्ञानी के कैटेगरी में आते हैं। पास्ट लाइफ में उन्होंने बहुत सारे पुण्य की होती है, तब ये ज्ञानी की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे हमारे इस्कॉन में भी ऐसे कई सारे भक्त हैं जो ज्ञानी कैटेगरी में आते हैं और इतना फास्ट प्रोग्रेस कर जाते हैं कि कुछ ही दिनों में ये लोग इजिली 16 राउंड्स और चार नियम और सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिक। इनको ज्यादा लेक्चर देना या ज्यादा गाइड करने की आवश्यकता नहीं रहती है, लोग फटाफट प्रोग्रेस कर जाते हैं और तुरंत प्रीचिंग एक्टिविटीज में भी लग जाते हैं। ऐसे कई सारे डिवोटीज हैं। तो ये 18 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि ये चारों जो प्रकार की जो आत्माएं हैं, ये चारों बहुत उदार वाली है, मैग्नेनिमस, क्योंकि ये लोग एटलीस्ट मेरे पास तो आते हैं, इनको कुछ भी समस्या हो या कुछ भी चाहिए हो एटलीस्ट मेरे पास तो आते हैं, इसलिए चारों जो है पुण्यशाली आते हैं। सो भगवान बोल रहे हैं कि उदार सर्व एवैते। सो ये जो उदार, मतलब जो मैग्नेनिमस होता है, जो दानवीर होता है, जो चैरिटेबल पर्सनालिटी होता है, ऐसा। तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान जो है भक्ति के भूखे हैं। अभी ये चार प्रकार के जो लोग हैं, अभी सपोज कोई वस्तु आपको ऐसी चीज चाहिए जो उसकी आपकी बहुत आवश्यकता है, और कोई व्यक्ति आपको वो थोड़ा दे दे, तो आपको क्या लगेगा, अरे ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, उन्होंने दान दिया मुझे, क्योंकि आपको बहुत जरूरत है इसलिए आपको वो बेस्ट लगेगा। ऐसे ही भगवान जो है भक्ति के भूखे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाव से भगवान के पास आता है तो भगवान को तुरंत वो व्यक्ति पसंद आ जाता है। ये भगवान का स्वभाव है, कृष्णा का ये नेचर है कि कोई भले उसका उसकी शुद्ध भक्ति नहीं है, भले मिश्रित भक्ति है या कोई भी मोटिवेशन से वो आ रहा है,
पर मेरे पास आ रहा है तो भगवान उसके फैन हो जाते हैं, भगवान उसके वो भगवान का प्रिय बन जाते हैं। जैसे पूतना है, पूतना तो किस पर्पस से आई थी भगवान के पास, भगवान को मारने आई थी, पर कृष्णा ने क्या लिया कि अरे ये मुझे दूध पिलाने आई है तो इसको मैं माता का स्थान देता हूँ। सो भगवान उस व्यक्ति के फैन बन जाते हैं, तो ये भगवान की उदारता है। तो इसलिए इस श्लोक को हम देखें All these devotees are undoubtedly magnanimous soul, but one who sits with you, I consider him just like one. फिर इसमें भी बोलते हैं पर जो ज्ञान में स्थित है वो तो मेरा फर्मेट ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ये ऐसा व्यक्ति एकदम मेरा प्रिय है। तो और दूसरे तीन कैटेगरी जो लोग है वो भी इवेंचुअली कृष्णा के शरण में जाएंगे। ऐसा तो ज्ञानी जो है वो भगवान के समान भगवान का प्रिय है, पर शुद्ध भक्त वो भगवान बोल रहे हैं, जैसे इसमें क्या बोल रहे हैं कि आई कंसिडर टू बी जस्ट लाइक माई ओन सेल्फ, जो ज्ञानी व्यक्ति है मेरे समान ही ऐसा है। बट शुद्ध भक्त के बारे में भगवान क्या बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में कि शुद्ध भक्त यू नो दे आर मोर डियर टू मी देन माई सेल्फ, मुझसे भी ज्यादा प्रिय मैं शुद्ध भक्तों को प्रेम करता हूँ। तो ज्ञानी से ऊपर होते हैं शुद्ध भक्त। और जो इसके अलावा दूसरे कैटेगरी जो है वो उन लोग को अभी तक ये जानकारी नहीं है कि कृष्णा जो है सुप्रीम गोल है, कृष्णा जो है वो हमारा परम लक्ष्य है। पर उनका गोल क्या रहता है कि उनको दुख दूर करना है, या उनको धन चाहिए, या उनकी जिज्ञासा पूरी होनी चाहिए। ज्ञानी का गोल होता है कि भगवान को प्राप्त करना है, पर भगवान को उन्हें वो जानकारी नहीं है। और शुद्ध भक्त का गोल होता है कि भगवान को संतुष्ट करना। सो इस तरह से और परपोर्ट में पढ़िए यहां से ये हाईलाइट। दिख नहीं रहा आपको एक्चुअली। ओके एक सेकंड में फिर से शेयर करता हूँ। दिख रहा है अभी? अभी लोडिंग हो रहा है। हाँ ओके दिखा। यस आउट ऑफ अफेक्शन दे आस्क द लॉर्ड फॉर सम मटेरियल बेनिफिट एंड व्हेन दे गेट इट दे बिकम सो सैटिस्फाइड दैट दे आल्सो एडवांस इन डिवोशनल सर्विस। But the devotee in full knowledge is considered to be very dear to the Lord because his only purpose is to serve the Supreme Lord with love and devotion. Such a devotee cannot live a second without contacting or serving the Supreme Lord. Similarly, the Supreme Lord is very fond of his devotee and cannot be separated from him. तभी जैसे कोई धन की इच्छा रखता है या जिसके पास जो दुख को दूर करने की इच्छा रखता है, भगवान क्या करते हैं ऐसे लोगों को धन भी दे देते हैं और दुख भी दूर कर देते हैं, ताकि ये लोग के अंदर क्या फिर कॉन्फिडेंस आता है, अरे भगवान ने मेरी बात सुनी, तो ये उत्साह में भी वो भगवान की शरण में चले जाते हैं और इनकी श्रद्धा और बढ़ जाती है ना। हमने देखा होगा कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत समस्या होती है, कभी कुछ जरूरत होती है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो कई बार जब वो प्रार्थना पूरी हो जाती है तो हमारी श्रद्धा कैसे एकदम बढ़ जाती है भगवान के, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी होगी भगवान की, इसलिए मेरी श्रद्धा। तो भगवान क्या शुरू में इस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं और फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति को प्रोग्रेस कराते हैं कि भाई ये धन और दुख से ऊपर उठो और शुद्ध भक्ति में लगो। और जब वो ज्ञान के स्टेज पे आ जाते हैं तब वो भगवान का और प्रिय हो जाता है। अब ज्ञानी व्यक्ति कब भगवान की शरण में आता है, कब वो शुद्ध भक्त बनता है, वो 19 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। तो बोल रहे हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत 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 जन्मों के बाद ज्ञानवान व्यक्ति, ज्ञानवान मतलब जिसके पास ज्ञान है, धनवान मतलब जिसके पास धन है, भाग्यवान मतलब जिसके पास भगवान है, बलवान मतलब जिसके पास बल, ऐसे ज्ञानवान मतलब जिसके पास ज्ञान है।
बहुत बहुत जन्मों के बाद ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है। तो अब मैंने 16 नंबर श्लोक में आपको एक वर्ड याद करवाया था, कौन सा वर्ड था वो, कौन सा वर्ड था वो, भजन्ते। भजन्ते। और यहाँ पे वर्ड आता है प्रपद्यते। प्रपद्यते का मतलब है सरेंडर। सो भजन से शुरुआत होती है और सरेंडर पे एंड होता है। पहले ही दिन कोई व्यक्ति प्रपद्यते या सरेंडर नहीं होता है, शरणागति नहीं लेता। बहुत बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति सरेंडर होते हैं। सेवा तो सब करते हैं पर सरेंडर कितने लोग होते हैं। सो सरेंडर इज द टॉप मोस्ट थिंग। सो बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। ऐसा व्यक्ति कन्विंस हो जाता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, सब जगह वासुदेव है, सब जगह कृष्ण है। और स महात्मा सुदुर्लभ, और ऐसा महात्मा जो होता है बहुत रेयर होता है। सुदुर्लभ, दुर्लभ मतलब रेयर को क्या बोलते हैं, बहुत ही दुर्लभ, और सुदुर्लभ मतलब सबसे रेयर। पढ़िए अनुवाद, ट्रांसलेशन। After many births and deaths, he who is an actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. So, ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति भगवान की शरण में बहुत जन्मों के बाद आता है। उसने कई जन्म के होमवर्क किए होते हैं तब वो आता है। कितना इंटेंसिटी के साथ उसने भक्ति प्रैक्टिस किया है। और शुरू शुरू में हम भक्ति बहुत कैजुअली करते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, बट जैसे जैसे सीरियसली होते हैं, इंटेंसिटी के साथ, सिंगल पॉइंट फोकस के साथ भक्ति करते हैं, उसको प्रपद्यते बोलते हैं, उसको सरेंडर बोलते हैं। तो अभी ये चारों कैटेगरी के लोगों के पास पुण्य है, चारों कैटेगरी के पास पायस क्रेडिट्स है। तो ये पुण्य किस प्रकार के पुण्य किए होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई भक्त होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अब कोई व्यक्ति देखता है कार में, अरे बुक ले लेने, तो उसने बुक ले ली, उसको डोनेशन दिया, ये पुण्य उसने इकट्ठा किया। तो जितने भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस करते हैं, हम लोगों को पुण्य दे रहे हैं, एक्चुअली उनके पुण्य क्रेडिट्स बढ़ा रहे हैं। तो जितने भी लोग जो हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में हेल्प कर रहे हैं, वो सब पायस क्रेडिट्स को इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे कोई एग्जांपल मंदिर आया और उसको वो बोला मेरे को नरसिंह चतुर्दशी फेस्टिवल बहुत अच्छा लगा, इतना उसने अप्रिशिएट किया खाली, तो उसने पुण्य इकट्ठा हो गए। तो ऐसे जन्मों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठा होते हैं ना, तब वो किसी भक्त के संग में आता है और फिर उसकी भक्ति स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है। और जब वो भगवान की शरण में आ जाता है, तब वो इस बात से कन्विंस हो जाता है कि कृष्णा ही सब कुछ है और कृष्णा के बियॉन्ड और कोई रियलिटी नहीं है। वासुदेवम सर्वम इति। और जब ये लोग समझ जाते हैं कि कृष्णा इज एवरीथिंग, तब ये लोग सरेंडर होते हैं, प्योरीफाई हो जाते हैं और एलिवेट हो जाते हैं और फिक्स्ड अप हो जाते हैं भगवान की सेवा में। So, अभी जैसे श्लोक में वर्ड है वासुदेव सर्वमिति, कि भगवान ये सब कुछ है, तो ऐसे लोग सब कुछ को सरेंडर नहीं होते, भगवान को सरेंडर होते। जैसे मायावादी होते हैं, भगवान सब कुछ है तो सबका शरण ले लो, ऐसा नहीं। सबका शरण लेने का, भगवान सब जगह है, भगवान ही सब कुछ है, तो वो सब कुछ को सरेंडर नहीं होते, भगवान को सरेंडर होते हैं। जैसे अभी नरसिंह चतुर्दशी गई तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि कहाँ है विष्णु तुम्हारे, क्या वो सब जगह है, क्या उस पिलर में है। तो प्रहलाद बोलते हैं कि विष्णु जो है सब जगह है, सब जगह है तो पिलर में भी होंगे। तब हिरण्यकशिपु पिलर को मारते हैं और फिर नरसिंह देव प्रकट होते हैं।
तो जब नरसिंहदेव प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज ने पिलर की शरण नहीं ली, किसकी शरण ली? नरसिंह भगवान की शरण। तो नरसिंह भगवान क्योंकि उस पिलर से प्रकट हुए, स्तंभ से प्रकट हुए, वो स्तंभ जो है पूजनीय है बट शरण लेने वाला चीज नहीं है। वो शरण लेने वाली चीज क्या है? भगवान नरसिंह देव। उसने प्रहलाद महाराज ने जो हार पहनाया वो पिलर को नहीं पहनाया, हार किसको पहनाया? नरसिंह देव को पहनाया। सो वासुदेव सर्वम इति मतलब कि यस, वो भक्त को पता है कि भगवान ही सब कुछ है और भगवान हर एक जगह पर है, हर एक कण कण में, पर शरण भगवान के लिए नहीं। सो पिलर की रिस्पेक्ट करते हैं, स्तंभ की रिस्पेक्ट करते हैं अभी भी आज लोग, क्यों? क्योंकि वहां से भगवान प्रकट हुए, बट उसकी पिलर की शरण नहीं लेते हैं, भगवान की शरण लेते हैं। पिलर का मंदिर नहीं बनाते, भगवान का मंदिर बनाते हैं। सो यहाँ पे प्रभुपाद इस श्लोक के एक लेक्चर में कहते हैं, जैसे आप फिर से अगर इस श्लोक को पढ़ेंगे भगवान क्या बोलते हैं, सम आत्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा। सो महात्मा कौन है? भगवान बताते हैं गीता के अंदर, महात्मा वो है जिसने भगवान की शरण ली है, प्रपद्यते जिसने किया है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। सो महात्मा मतलब वो नहीं कि रबर स्टैम्प लगा दिया, जैसे प्रभुपाद बताते कि रबर स्टैम्प लगाने से महात्मा नहीं बनता है कोई। महात्मा मतलब वो जिसने भगवान की शरण ली है। आज कलयुग में है ना, जो कोई भी दिखे जो अच्छा बोल सकता है, जो अच्छा कथा कर सकता है, वो महात्मा बना देते हैं उसको। पर ऐसा महात्मा नहीं, ये महात्मा की बात कर रहे हैं भगवान। सम आत्मा सुदुर्लभ, कौन? जिसने मेरी शरण ली है। तो टेक्स्ट नंबर 19 में थिंक परपोर्ट यस, यहां ये पढ़िए। In the body of a living being, neither the power to speak, nor the power to see, nor the power to hear, nor the power to think is the prime factor. It is the life air which is center of all activities. Similarly, Lord Vasudeva, the supreme, the personality of Godhead, Lord Sri Krishna, is the prime entity in everything. And because Vasudeva is all pervading and everything is Vasudeva, the devotee surrenders in full knowledge. So everything is... Because Vasudev is all pervading everything, devotee surrenders in full knowledge. So, Prabhupada ji ne Gita ke jo topmost conclusion hai, uske saath compromise nahi kiya. Wo chahte the ki is duniya ko sabse best aur topmost philosophy mile. अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया होता तो उनके अनेकों डिसाइपल्स और फॉलोअर बन चुके होते प्रभुपाद। प्रभुपाद ने अपनी फिलोसॉफी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्रभुपाद बहुत मर्सीफुल थे और कोई भी लेवल का व्यक्ति आता था जो भगवान की यू नो सेवा करने की इच्छा रखता था, प्रभुपाद उसको अप्रिशिएट करते थे, उसको एंकरेज करते थे, पर फिलोसॉफी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे उसके साथ। करना तो टॉप मोस्ट लेवल की भक्ति है तुझे, अभी जो तू कर रहा है अच्छा कर रहा है, बट करना है टॉप मोस्ट। उसको एंकरेज करते थे, उसको अप्रिशिएट करते थे, पर फिलोसॉफी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। उसको डिफिकल्ट लगता है, देन ही हैज टू वर्क ऑन इट। सो इसलिए यू नो परपोर्ट में हर जगह पे प्रभुपाद ने भक्ति को कनेक्ट किया है हर एक एक श्लोक को, क्योंकि भक्ति जो है टॉप मोस्ट है। तो जितने भी कर्मी है, ज्ञानी है, वैरागी है, योगी है, ये सब की वैल्यू तब तक है जब तक ये भक्ति से कनेक्टेड है। और भक्ति जो केवल भक्ति करता है वो टॉप मोस्ट यू नो व्यक्ति है। सो यस, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस एनी डाउट्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन मेरा ये था कि जो चार प्रकार के लोग होते हैं भगवान की शरण लेते हैं, उसमें शुरुआत की जो तीन कैटेगरी है,
तो क्या किसी एक पर्सन में वो तीनों कैटेगरी एक साथ हो सकती है, दुखी, जिज्ञासु और? कोई जैसे कोई व्यक्ति ने बैंकरप्ट हो गया फॉर एग्जांपल, तो दुखी भी है उसको धन की भी आवश्यकता है, तो ऐसा हो सकता है। यस प्रभु जी। और एक दूसरा क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि ये चारों पुण्यशाली आत्माएं हैं इसलिए भगवान की सर्विस में जल्दी लग जाते हैं, तो जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि जब हम रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं तो यूथ जो होते हैं वो इस चार कैटेगरी के अंदर से होते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर वो आगे क्यों बहुत कम नंबर्स होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तो ऐसा? इसमें जैसे बोलते ना कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस, लोगों को जैसे मेरी इच्छा है धन प्राप्त करनी फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो धन प्राप्त करने की अभिलाषा से मैंने फॉर एग्जांपल मंदिर में गया और भगवान के दर्शन किए, भगवान से प्रार्थना की कि धन प्राप्त करा दो, बहुत आवश्यकता है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी जब वो इच्छा पूरी हो जाएगी तो वो चले जाएंगे, फिर वो मंदिर नहीं आएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि यस इच्छा मेरी पूरी हो गई, भगवान को धन्यवाद करेंगे, दोबारा मंदिर जाएंगे धन्यवाद करने। सो कुछ लोग, इसलिए हर प्रकार का जो धन की इच्छा रखने वाला हर प्रकार का व्यक्ति एकदम सारे फिल्टर को क्रॉस नहीं कर पाता है, उसका जैसे ही वो एजेंडा पूरा हो जाता है वो वहां से निकल जाता है। तो धन की इच्छा को प्राप्त करने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर उसमें से भगवान को फिर धन्यवाद करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और धन्यवाद करने वाले लोग जो आते हैं उसमें से भी जो भक्ति करने वाले होंगे उसमें से ही कम होंगे, तो उनको खाली धन्यवाद करना ही पसंद है, आगे कुछ सेवा करना है, प्रोग्रेस करने की इच्छा नहीं है। और फिर जो भक्ति और सेवा में करते हैं उसमें से भी बहुत कम लोग होंगे जो फुल सरेंडर होंगे। तो हर एक जगह पे फिल्टर है भगवान ने दिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वही जीवात्मा भगवान के धाम आए, मेरे धाम में आए, जो पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, जिसकी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई है, वही व्यक्ति को भगवान अपने धाम में बुलाना चाहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पे भगवान की केवल शुद्ध भाव से भगवान की सेवा करनी है, वहां पे कुछ ऐसा नहीं है कि कब तक सेवा करूंगा मैं, ये ऐसा प्रश्न वहां नहीं होता है कभी। हम लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी ये सेवा कब तक करनी है, मैं रजिस्ट्रेशन सेवा कब तक करना है, कॉलिंग सेवा कब तक करना है, तो ये जब हम पूछते हैं ना कब तक करना है, मतलब हम अभी तक शुद्ध नहीं हुए हैं, हमारे अंदर और भी दूसरी चीजें हमें करनी है। भगवान की भक्ति तो करनी है, वो अच्छी बात है, पर मेरे को थोड़ी और चीजें भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, भक्ति भी करनी है, तो इसलिए हम पूछते हैं कि भाई प्रभु जी कब तक सेवा करना है। पर भगवत धाम जब जाते हैं तो वहां पे ये प्रश्न होता ही नहीं कि कब तक चामर डोलाना है भगवान का, भगवान के साथ कब तक ये तो वहां पे जब ये अगर प्रश्न पूछेंगे ना तो वहां पे लीला में डिस्टरबेंस होगा भगवान के, भगवान की लीला में भगवान को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, इसलिए भगवान ने ये सारे फिल्टर रखे हैं, इसलिए भगवान ने माया देवी को रखा है कि भाई इनको शुद्ध करो, जो शुद्ध हो जाए उसी को मेरे धाम में भेजा, आप बिना शुद्ध हुए वो आप ऊपर आ जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे, क्योंकि एक बार जो गया वो वापस नहीं आता है उसको भी सेवा करती रहनी, उसको पसंद आया नहीं है वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक बार धाम में जाता है वो इसलिए उनके भलाई के लिए भगवान ने फिल्टर रखा है। ऐसा और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। आई थिंक यस। और ओपी गुप्ता प्रभु आप पूछ रहे, कौन? अभिषेक प्रभु। हाँ यस, एक क्वेश्चन था खाली यस यस कि जैसे आपने बताया कि जो ज्ञानी पुरुष होता है उसे नहीं पता हो, तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये था एक्चुअली कि ज्ञानी पुरुष को किस चीज का ज्ञान होता है? जैसे आप बता रहे हो कि उसे पता है कि कृष्ण ही भगवान है। ज्ञानी को इस चीज का ज्ञान होता है कि ये भौतिक संसार नश्वर है और इसके बियॉन्ड कुछ है जो मुझे प्राप्त करना है पर मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन कृष्णा ही तो भगवान है ये उसे नहीं पता होता। है
कृष्णा ही भगवान है ये उसे नहीं पता होता, नहीं पता होता है, इसलिए वो खाली नाम मात्र का ज्ञानी है। जब वो भक्ति करता है तब वो रियल ज्ञानी बन जाता है। इसलिए भक्त जो है वो रियल ज्ञानी है, भक्त जो है वो रियल कर्मी है, भक्त जो है वो रियल योगी है, बाकी सब नाम के ज्ञानी है, नाम के कर्मी है, नाम के योगी है। यस प्रभु जी, क्लियर क्लियर, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी प्रश्न था कि जैसा आपने चार तरह के बताया तो उसमें जो ज्ञानी और जिज्ञासु है उनमें डिफरेंशिएट कैसे, मतलब क्या डिफरेंस होता है, एक बार आप बता सकते हैं? ज्ञानी मतलब ये जिसको ये इसको इस बात का ज्ञान है कि ये भौतिक संसार नश्वर है, टेम्पररी है, यहाँ पे मुझे कोई भी संतुष्टि नहीं होगी, तो इसके बियॉन्ड क्या है वो मुझे जानना है, वो ज्ञानी है। और जिज्ञासु मतलब उसको बस जिज्ञासा है कि भाई हर ऐसे, मतलब आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं, भौतिक जिज्ञासा भी होती है। जैसे जिज्ञासु एक कैटेगरी, एक प्रकार के जिज्ञासु क्या है कि उसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, जिज्ञासु जानना है कि क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। और वही टेंडेंसी फिर जब मंदिर में आते हैं तो उन्हें लगता है अरे मंदिर में क्या क्या होता है, क्या क्या चलता है, ये सेवा पूजा कैसे करते हैं, ये लोग जीवन कैसे जीते हैं, ये जिज्ञासा। सो जिज्ञासा और ज्ञानी दोनों में ये अंतर है। जिज्ञासा मतलब उसको कोई भी प्रकार की जिज्ञासा होगी, आप मंदिर ले जाओ तो वहां पे भी जिज्ञासा करेगा, आप उसको थिएटर मूवी में ले जाओ तो वहां भी जिज्ञासा करेगा, अरे पर्दा कैसे चलता है, अरे मशीन कैसे चलती है, कैसे ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट लोग कुछ जिज्ञासा कैटेगरी के होते हैं। यस हरे कृष्ण। और हरे कृष्ण। Yes. Yes. आपने मतलब 7.16 में जो चार कैटेगरीज बताई उसमें जो लास्ट वाला था उसमें ट्रांसलेशन में मतलब प्रभुपाद ने लिखा कि ही हु इज सर्चिंग फॉर द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, तो इसको हम ज्ञानी बोलते हैं, इसको रियल ज्ञानी बोलते हैं। एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब उसको पता है भगवान एग्जिस्ट करते हैं पर उसको ये नहीं पता है कि वो एब्सोल्यूट ट्रूथ भगवान कौन है। एब्सोल्यूट ट्रूथ कुछ लोग बोलते हैं कि निराकार है और कुछ लोग बोलते हैं कृष्णा है, कुछ लोग बोलते हैं शिवा है। तो ये ज्ञानी कैटेगरी जिसको पता नहीं है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ एग्जैक्टली है कौन और उसकी खोज में कि हु इज द रियल एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये ज्ञानी है। Yes, yes, हमें पता है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ कृष्णा है, भगवान है, इसलिए हम ज्ञानी से भी ऊपर है। तो प्रभु जब एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात करते हैं तो ये तीनों प्रकार के लोग एब्सोल्यूट ट्रूथ में मतलब आ जाते हैं, जो मतलब ब्रह्मवादी भी है, परमात्मावादी भी है और भक्त भी है। हाँ, तीनों एब्सोल्यूट ट्रूथ की कैटेगरी में है, सर्चिंग फॉर एब्सोल्यूट ट्रूथ। ओके ओके। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन? तो आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हो चैट बॉक्स में लिखो। जब आप भक्ति में पहले नहीं जुड़े थे और जैसे ही कनेक्ट हुए तो कौन कौन सी, आप चार में से कौन सी कैटेगरी में आते थे? कैन राइट। यस, ज्ञानी, जिज्ञासु, डिस्ट्रेस। Inquisitiveness and fear, distress, arthati, right. So, अभी आप लोग को पता चल गया कि ये कैटेगरी में आप थे, बट अल्टीमेटली अभी ये कैटेगरी से निकल के आपको प्योर डिवोशनल सर्विस, ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वाले स्टेज पर आना है। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्णा।